आफ्टरनून क्लास, आज हम लोग दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इस दूसरी क्लास में हम लोग हाई स्कूल के लिए जो एक बेस पोएम रखी गई है द फाउंटेन, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। ये जो द फाउंटेन है ये लिखा गया है जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा। जेम्स रसेल लॉवेल जो थे ही वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ क्रिटिक एंड ऑल्सो इज नोन फॉर वेरियस अदर फील्ड्स, मतलब दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी इनको जो है जाना जाता है। तो वैसे जो ये रसेल साहब हैं इज नोन एज रोमांटिक पोएट, बट ये जो पोएम इन्होंने लिखी है द फाउंटेन, यहाँ पे इन्होंने रोमांस जैसा कोई जिक्र नहीं किया है। इन्होंने एक ऐसी एलिमेंट, ऐसी चीज़, ऐसी थिंग का इन्होंने जो है जिक्र किया है जिसमें जिसे इंस्पिरेशन लेते हैं, एंड द थिंग इज फाउंटेन। फाउंटेन यू नो दैट इज फवारा। तो जो फवारा है ये असल में यहाँ पे जो रसेल साहब हैं हमें बताना चाहते हैं कि एवरीथिंग इन इन द वर्ल्ड कैन इंस्पायर अस, संसार में कोई भी चीज़ है जो हमें इंस्पायर कर सकती है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं इधर उधर हमारे आसपास जो पाए जाते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बीच में द फाउंटेन यानी कि जो एक फवारा है, ये फवारे का एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कितनी क्वालिटीज हैं। मेरा मानना है कि इससे पहले फवारे को हमने भी देखा है, आपने भी देखा है और सबने फवारे को देखा होगा, लेकिन क्या उसमें हमने इतनी क्वालिटीज, इतनी ढेर सारी जो गुण हैं वो देखे जो रसेल साहब ने देखे? अब हम देखा या नहीं देखा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ठीक है, अगर अभी हम पढ़ते हैं और देखेंगे कि कितनी ढेर सी क्वालिटीज उन्होंने इसमें पाई हैं। तो सबसे पहले इस जो है हम आपको बताते हैं, ये छोटी सी पोएम जो लिखी गई है मैंने पहले से लिख रखा है इसको बोर्ड पे, जिससे आप लोगों को पढ़ने समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल मैं आपको लाइन टू लाइन बता दे रहा हूँ, उससे पढ़िए देखिए। कहते हैं इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्ट टू नाइट। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट यानी कि सनशाइन मतलब होती है धूप यानी दिन। तो कहते हैं इनटू द सनशाइन मतलब जब दिन होता है धूप निकलती है, तो ऐसे में जो फवारा रहता है इट इज फुल ऑफ लाइट, मतलब ये प्रकाशित होता है, जगमगाता है और रोशनी उत्पन्न करता है, चमचमाता रहता है, ठीक। और इसके साथ साथ में लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और इसकी एक खूबी ये है कि वो सुबह से लेके रात तक उछलता रहता है। मतलब आप देखिएगा तो देखने में इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट एक क्वालिटी ये बता रहा है कि मतलब जब दिन होता है, दिन निकलता है तो फवारा चमचमाता रहता है। फिर अगली क्वालिटी अगला गुण इससे बताता है लीपिंग एंड फ्लैशिंग मतलब उछलता रहता है, और फ्लैशिंग मतलब चमचमाता रहता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट मतलब सुबह से लेके रात तक। फिर आगे बढ़ते हैं कहता है इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, एक क्वालिटी इसकी ये हो जाती है, मतलब ये इनटू द मून लाइट मतलब है जब रात होती है, चंद्रमा निकलता है और चांदनी चारों तरफ फैल जाती है, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या है इट इज वाइटर देन स्नो, मतलब जो फवारा है उसको आप देखेंगे तो ये बर्फ से भी ज्यादा उज्ज्वल सफेद सा नजर आता है, तो एक ये क्वालिटी हुई। फिर आगे कहता है वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, तो जब हवाएं चलती हैं तो फवारा जो होता है वो एक फूल के समान, जैसे अपनी डाली पे फूल लहराता है वैसे ही फवारा भी अपने बेस, अपने आधार से इधर उधर लहराता है, ये इसकी एक अनदर खूबी भैया क्वालिटी है। फिर आगे कहना है इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तो इनटू स्टारलाइट देखिए रात होती है, रात में जो है वो दो तरीके की होती है, एक वो रात होती है जिसमें चंद्रमा निकलता है, एक वो रात होती है जिसमें चंद्रमा नहीं निकलता है। तो जो रात जिसमें चंद्रमा निकलती है उसमें चांदी फैल जाती है, लेकिन वह रात जिसमें चंद्रमा नहीं निकलता है तो वो पूरी तारों भरी रात होती है, आसमान में सिर्फ तारे तारे नजर आते हैं। तो ऐसी एक रात में जिसमें कहता है कि इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, तो जब आप फवारे के पास जाते हैं निश्चित आपको वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके पास जाओगे तो आपको पानी की छोटी छोटी फुहार आपके चेहरे पर पड़ेंगी, तो उस फुहार को आप अपने चेहरे पर महसूस करते हैं। तो इसी को ये लिखता है, कहता है इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, यानी कि हम जब तारों की रोशनी में जाते हैं तो ये स्प्रे के रूप में हमारे चेहरे पर महसूस होता है। अगली पंक्तियों में भी कहता है हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, मतलब ये मध्य रात्रि को भी प्रसन्न रहता है और पूरे दिन भर प्रसन्न रहता है। देखिए जब हम किसी कार्य को करते हैं, अगर हम सुबह उठते हैं और देखते हैं कि किसी कार्य को काफी एनर्जी या ऊर्जा के साथ में कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी ऊर्जा का स्तर घटता जाता है और उस तरीके से हमारी कार्य करने की क्षमता भी घटती जाती है। लेकिन जो फवारा है अगर आप उसको सुबह देखेंगे या दोपहर में देखेंगे वो समान रफ्तार से एक प्रकार से ही अपनी आकार स्वरूप को बनाता रहता है। तो इसीलिए अब जब व्यक्ति ज्यादा काम करता है इट मीन्स वो खुश है इस, और जब ये हमारा फवारा है ये जब एक तरीके से काम कर रहा है, एक फ्लो में काम कर रहा है, इसका मतलब कि हमेशा खुश है। तो इसीलिए कहते हैं कि हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, इसका मतलब ये मध्य रात्रि में भी खुश होता है और दिन भर में या दिन की दोपहर में भी खुश रहता है। आगे एक पंक्ति में कहता है एवर इन मोशन ब्लाइथसम एंड चेयरी,
still climbing heavenward never availing. यहाँ पे एक साथ कई qualities का समावेश किया गया है, बताता है हमसे, कहता है ever in motion, हर एक लाइन एक अलग अलग क्वालिटी को बता रही है, कहता है ever in motion मतलब हमेशा गतिशील, तो जो फवारा है हमेशा गतिशील रहता है, blithesome and cheery प्रसन्न चित्त और खुश रहता है, still climbing heavenward हमेशा heavenward या आसमान की तरफ बढ़ता रहता है, जो व्यक्ति आसमान की तरफ बढ़ता है या ऊपर बढ़ता है इसका मतलब है कि वो उत्थान कर रहा है, उसके अंदर क्वालिटी या गुण है उत्थान करने की, उन्नति करने की, तो इसको यहाँ पर उन्नतिशील भी दिखाया जा रहा है। नेवर अवेयरी, अवेयरी मतलब होता है चिंतित, तो जब वो एक समान रूप से एक समान गति से कार्य को कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रसन्न है, वो खुश है और चिंतित भी नहीं है। तो ये इस तरह से इस जो हमारे स्टेंजा है, इस स्टेंजा में चार अलग अलग लाइनों में चार चार क्वालिटीज को उसने दर्शाया है। फिर से आपको बता देते हैं, एवर इन मोशन यानी हमेशा गतिशील, ब्लाइथसम है चेरी मतलब प्रसन्न चित्त और खुश रहता है, Still climbing heavenward, हमेशा ऊपर उन्नति करता रहता है, आसमान की तरफ बढ़ता रहता है, never aweary और कभी भी चिंतित नहीं होता है। आगे की पंक्ति हम लोग इधर देखते, कहता है glad of all weather, still seeming best upward or downward motion the rest। देखिए हम देखते हैं, हमें से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें जाड़ा पसंद है, कुछ कहते हैं कि हमें बरसात पसंद है, कुछ कहते हैं कि हमें गर्मी पसंद है। जो मौसम हमें पसंद होता है हम बहुत अच्छे से उनमें कार्यों को करते हैं, लेकिन कुछ उनके अतिरिक्त जो मौसम आते हैं उनमें हमारी कार्य क्षमता भी प्रभावित हो जाती है, लेकिन फाउंटेन के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखिए कहना है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, समस्त मौसम में जो ऋतुएं आती हैं, जो मौसम आते हैं, वो सब में प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि एक गति से कार्य को कर रहा होता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट और अब हमेशा अपनी सर्वोच्चता को दिखा रहा होता है, एक अपने स्वरूप को बरकरार रखे अपनी सर्वोच्चता को दिखा रहा है, इसका मतलब है प्रसन्न है, खुश है, एक जैसा है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन द रेस्ट, फिर कहता है कि चाहे ये ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, ये ऊपर नीचे की ये जो गति करता है, इसी बीच में मोशन का ये जो ये गति है, गति में ही थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड होता है। देखिए जब फवारा ऊपर जा रहा है एक क्षण के बाद वो नीचे आता है, तो जो अप और डाउन होता है इसी बीच में एक क्षण जब रुकता है तो ये छोटा सा जो मोमेंट है ये उसका रेस्टिंग पीरियड या फिर जो है आराम करने का समय होता है, तो क्षणिक आराम करता है, थोड़ा सा ये रेस्ट होता है। फिर कहता है फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, यानी कि फुल ऑफ नेचर पहले तो प्रकृति से परिपूर्ण है, मतलब प्राकृतिक आवास में रहता है प्रकृति। जब देखिए जैसे हम किसी एक जानवर को कैद करते हैं पिंजरे में रख लेते हैं तो वो पालतू हो जाता है और बहुत से जानवर ऐसे रह भी जाते हैं, लेकिन अब आप सोचिए कि अगर हम एक फाउंटेन को हाथ से पकड़ लें, उसको कैप्चर कर लें, तो क्या ये संभव है? क्या फवारा उसके बाद अपने स्वरूप को बरकरार रखेगा? नहीं रखेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, ये प्रकृति से परिपूर्ण है और इसको कोई भी टेम या गुलाम कैद नहीं कर सकता है, इसको गुलाम नहीं बना सकता है, इसको कैद नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, देखिए हर पल फवारा चल रहा है, गतिशील है, गतिमान है, इसके बावजूद भी ये लगातार चल रहा है, लेकिन आप इसको देखें इसका स्वरूप वो बिल्कुल अपरिवर्तित है, बिल्कुल नहीं बदलता है। तो ये चीज भी इसकी एक डिफरेंट सी क्वालिटी है, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम यानी हर पल बदलता है, इसके बावजूद भी अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं लाता है, तो ये इसकी और खूबी हो गई। फिर आगे और कह रहा सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस ऑफ सनशाइन एंड दाई एलिमेंट, इट मींस सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मतलब होता है रुकावट विहीन, जो रुकता ना हो, जिसपे रुकावटें ना होती हो, तो सीजलेस एस्पायरिंग मतलब बिना रुके हुए आगे बढ़ता रहता है, उत्थान करता रहता है, सीजलेस कंटेंट बिना रुके हुए बिना थके हुए, ये संतुष्टि का भाव दिखाता है, संतुष्ट रहता है। और इसके साथ ही कहता है डार्कनेस ऑफ सनशाइन दाई एलिमेंट, इसका मतलब चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, हर एक भाग में चाहे उजाला हो चाहे अंधेरा हो, लेकिन ये हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। तो ये पूरा स्टैंडर्ड जो है एक आपस में मान लीजिए इसमें दो क्वालिटीज हैं और दो अलग अलग समय पे कार्य कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि ये जो है हमेशा एस्पायरिंग यानी उत्थान करने वाला है और संतुष्ट रहने वाला है, फिर वो चाहे दिन हो और चाहे रात। अंतिम हमारे पास एक स्टैंजा है, तो उस स्टैंजा में अब क्या होता है, देखिए ये इतनी क्वालिटीज, इतनी ढेर सारी क्वालिटीज जब पोएट को उसमें नजर आती हैं, तो उस पोएट ने इससे सोचा कि व्हाई शुडंट ही बी द सेम, उसको क्यों ना ऐसा हो जाना चाहिए। सो वो उससे अपील करता है, कहता है फवारे से, कहता है क्या कहता है, वो कहता है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। तो फवारे से कहता है कि ए फवारे मेरे भी हृदय को ऐसा ही बना दो,
मेरे भी हृदय को ऐसा ही बना दो। कैसा? फ्रेश, तरोताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर और अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा आपके या तेरे ही समान उत्थान करने वाला, आगे बढ़ने वाला। तो इस प्रकार से ये जो हमारी पोएम है ये पूरी हो जाती है, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग आगे और सब्जेक्ट के सामने। थैंक यू।